सो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे लाइफ की पहली सोलो ट्रिप की। तो ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो जनाब हेडफोन लगा ले, चाय समोसा ले ले और चले मेरे साथ घूमने राजगीर। तो ये कहानी शुरू हुई थी 4 अप्रैल 2022 की सुबह को, जब मुझे मधुबनी से पटना के लिए ट्रेन पकड़नी थी। सो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा सुबह के 4:30 और मैंने सारे सामान की रीचेकिंग कर ली है, सब कुछ सही है। अब मुझे बस नीचे जाना और रेडी होना है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। सो देखते कैसे क्या जाता है बात, बाकी मुझे भी लेट हो रहा है तो अभी भी जाता हूँ नीचे और रेडी होके आता हूँ ऊपर और फिर सब कुछ लेके चलते बाहर। और यहाँ हमारे सारे सामान की पैकिंग हो चुकी है, हम 3 बैग लेके जा रहे हैं इस ट्रिप पे। ऑल सेट फॉर द फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप। तो निकल चुके हैं मधुबनी की सुनसानी राहों पे, अनजाने सड़कों पे। एक्चुअली सुनसानी रात है क्योंकि सुबह हो गया और लोग भी चलने शुरू हो गए हैं। तो एक स्टेशन पहुंचते हैं, टिकट कटाते हैं और थोड़ा बहुत ताज़ी आवाज़ आते हैं। बस वेट करना है और 20 मिनट उसके बाद ट्रेन आ जाएगी, फिर निकलेंगे और हमारा सफर शुरू होगा। सो ऑल सेट फॉर लीविंग, अभी टिकट ले लिया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मुझे याद नहीं पिछले बार मैं कब ट्रेन पे बैठा था, शायद कोरोना से पहले जब मैं व्लॉग बनाता था उस टाइम पे बैठा था, और उसके बाद मैं नहीं बैठा, मतलब 2020 से 2022 तक मैं ट्रेन पे नहीं बैठा। You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. रेलगाड़ी खुल चुकी थी और इसी के साथ शुरू हो चुका था मेरा सफर। एक ऐसा सफर जहां मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं था। ये रेलगाड़ी का सफर ना अलग ही एहसास दिलाता है, जहां आपकी मुलाकात नए लोगों से होती है। खैर सुबह का समय था, ज्यादा भीड़ नहीं थी। मेरे साथ वाले सीट पर महज 2 लोग बैठे थे। कोई फोन में खोया था, कोई अपनी अधूरी नींद पूरी कर रहा था, और मैं मेरे मन में तो ना जाने कितने ख्याल आ रहे थे। एक्साइटमेंट के मारे पेट में गुदगुदी हो रही थी। क्या करें, अकेले बाहर निकलने का एक्सपीरियंस नहीं था ना। रेलगाड़ी तो अपनी गति से स्टेशन पार करते हुए निकल रही थी। अब सुबह सुबह जो निकल गए थे बिना कुछ खाए, तो भूख बड़ी जोर की लगी थी। वो तो शुक्र है बिंगो डेरे मेरे का, जिसने भूख से जान बचाई। सोलो ट्रैवल करना फॉर अ पर्सन लाइक मी वाज अ बिग डील। खुश तो बहुत था मैं, क्योंकि जो मैंने बहुत पहले सोचा था वो मैं कर रहा था, दैट इज ट्रैवलिंग। बट सोलो करूंगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो भैया 8 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद ठीक 1:15 पर हम पहुंच गए राजधानी पटना। हाँ तो मैं पटना पहुंच चुका हूं और मुझे यहां से जाना है गांधी मैदान, उसके बाद अपने एक दोस्त से मिलना है। मुझे मेरी ट्रेन 3-4 घंटे लेट है, उसी के लॉज पे रुक जाऊंगा और फिर वहां से निकल जाऊंगा।
भाई तो मैंने गलत रूट ले लिया था जिसके कारण मुझे भी पैदल चलना पड़ रहा, वरना कहाँ मैं बस अभी तक पहुँच चुका होता। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने फ्रेंड के लॉज पे और मैं उसे सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं अभी बहुत दूर हूँ, मतलब गांधी मैदान में हूँ और अभी तक मैं आया नहीं हूँ, और अभी आके अचानक से उसे सरप्राइज दूंगा, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। सरप्राइज ना जल्दी। तो भाई मैं टैलेंट कैसा है? ठीक है। और बताओ साल भर के बाद मिल रहा है? अचानक से सरप्राइज दे कि नहीं? कल बोला था नहीं आएगा। हाँ वो अलग चीज है, कहते नहीं आएंगे, इसलिए सरप्राइज प्लान किए थे बहुत पहले से। अच्छी बात। और सब बढ़िया चल रहा है? बैठो। और बस यहाँ पे कुछ देर के मेहमान है, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। हाँ प्लान तो बताए थे, तो बस थोड़ी देर यार कैसे आ गया? बस आ गया। टैलेंट टैलेंट बोलता है ब्रो। ट्रेन थी पटना टू राजगीर 6:52 पे। 4 घंटे मैंने दोस्त के यहाँ बिताए, बहुत सारी बातें हुई। भाई को बहुत अच्छी नॉलेज है ट्रेन की, तो मैंने जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन ले लिया, क्योंकि असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि पटना तो घर द्वार है, आते जाते रहते हैं, पर आगे का रास्ता अनजाना था। खैर 4 घंटे दोस्त के अरेस्ट लेने के बाद हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए, सॉरी जंक्शन, पटना जंक्शन के लिए। दोस्त को अलविदा कहने के बाद मैं चल पड़ा था अपने असल मंजिल की ओर। यहाँ से होती है मेरे असली सफर की शुरुआत। 100 किलोमीटर तक अनजान रास्ता, रात का समय और एक ट्रेन। So, मैं पहुंच चुका हूँ राजगीर और अभी मैं हूँ अपने रूम पे, क्योंकि और मैं बीच का कोई भी शॉट नहीं ले पाया, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। सुबह के 6 बजे के निकले हुए हैं और अभी रात की 10:30 पहुंचाया है यहाँ पे, मतलब बीच में पटना में थे, उसके बाद फिर 6 बजे ट्रेन खुली और 10:30 यहाँ पहुंचा है, तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं ब्लॉग कर सकूँ आगे, तो मैं सीधे यहीं आ गया हूँ। और ये कुछ मैं आपको रूम टूर दूंगा, बट उससे पहले रूम की प्राइस बता देता हूँ। तो मुझे ये पड़ा है 350 में, वैसे 400 बता रहे थे तो बार्गेन करके 350 कर लिया। ऑल्सो मुझे 350 का लग तो नहीं रहा है, एक झलक आपको दिखा। सो ये बेड है, काफ़ी बड़ा सा बेड है, और ये मेरा बैग, और कुछ भी नहीं है, खाली है रूम, और ऊपर में पंखा है, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है, और बस अंदर में बाथरूम है जो कि अभी लॉक ही रहने देते हैं। वैसे बाथरूम साफ सुथरा है, तो आई थिंक ये सही है। 350 में अगर मिल गया तो मतलब कह सकते ठीक ठाक है, और बाकी अभी चेंज करता हूँ सोता हूँ, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, भूख भी लगी है, तो मैं कुछ लाया था बिस्किट वगैरह तो वो खा लूँगा, उसके बाद कल सुबह एडवेंचर स्टार्ट होगा। सो या कट।